सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। देश में भोले भाले लोगों के साथ फ्रॉड करने वाली कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने लोगों को बर्बाद कर दिया है। ऐसी ही कंपनी इन दिनों सहारा इंडिया है। सहारा इंडिया को लेकर कई सारे ऐसे लोग हैं जो काफी प्रताड़ित हैं, क्योंकि सहारा इंडिया के अंदर निवेश करने वाले लोगों का जो पैसा है वो उन्हें वापस नहीं मिल रहा है। और ऐसे में कई ऐसे लोग भी हैं जो सहारा इंडिया में लोगों से पैसे लेकर के निवेश करवाते थे, यानी कि एजेंट के रूप में काम करते थे, वो काफी परेशान हो रहे हैं और लगातार लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। एक ऐसा मामला पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले से सामने आया है, जहां पर इस प्रकार के परेशान प्रताड़ित युवक ने अपने घर के बाहर बने पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली है। साथ ही साथ उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि मेरी मौत का कारण सहारा इंडिया है। मैं उस सुसाइड नोट के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा कि उसने सुसाइड नोट में क्या क्या लिखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि बाड़मेर के बायतू क्षेत्र के पनावड़ा गाँव का है, जिसका नाम हेमंत है। हेमंत 35 वर्ष का है और पिछले 4-5 साल से वो सहारा इंडिया में काम करता था। हेमंत इससे पहले मजदूरी करता था, गुजरात में लोडिंग का काम करता था, और उसने इस बात का जिक्र भी अपनी सुसाइड नोट में किया है। उसने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि मैं वहां काम करता तो ठीक रहता, यहां अगर नहीं आता तो इस प्रकार की परेशानी में मैं नहीं घुसता। इसके अलावा हेमंत के बारे में जानकारी ये आई है कि हेमंत का एक छोटा भाई भी है, उसका भी उसने जिक्र किया है कि अब मेरे बच्चों का ख्याल तू रखना। इसके पिता की 2 साल पहले एक बीमारी के चलते डेथ हो गई थी। 2 इसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इसके घर में इनकी पत्नी है, इनकी बूढ़ी माँ है। और हेमंत की इस सुसाइड की घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस ने उसका शव है वो बालोतरा की बायतू की मोर्चरी में रखवाया है। और फिलहाल जो तमाम उनके परिजन हैं, समाज के लोग हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि इसको लेकर उसके साथ न्याय होना चाहिए। जिस तरीके से उसने प्रताड़ित होकर के ये पूरी आत्महत्या को अंजाम घटना को अंजाम दिया है, इस पर उसके साथ न्याय होना चाहिए। उस तमाम बात को लेकर वहां पर काफी लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं। हेमंत ने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा है वो मैं आपको अगर पढ़कर सुनाऊं तो उसने लिखा है, सबसे पहले लिखा है, मेरी मौत का कारण सहारा इंडिया प्राइवेट कंपनी है, जो कि लोगों का लाखों रुपया लाकर मेरे जमा किया, मैंने जमा किया, मगर अब वापस मैच्योरिटी नहीं हो रही है। लोगों को जवाब देकर मैं परेशान हो गया हूं। इससे तो अच्छा मैं 15 साल लोडिंग का काम गुजरात में किया, वो भी अच्छा था। यह सहारा ही चली तो मैं क्या पूरे देश में हजारों लोग आत्महत्या करेंगे। सहारा ऐसे ही चली तो मैं क्या देश में हजारों लोग आत्महत्या करेंगे, ये उसने लिखा है। खास बात मेरे छोटे भाई आत्माराम को कहना चाहूंगा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा, पापा नहीं होने होते हुए भी पापा का कभी एहसास नहीं होने दिया। मेरे दोनों बेटे तेरे हवाले, तू ही बाप का एहसास मत होने देना और मम्मी का ख्याल रखना। उसके बाद उसने आई लव यू मम्मी, आई लव यू चंद्र बेटा, आई लव यू विकू बेटा, आई लव यू आतू भाई लिखा है। नीचे लिखा है, वाहरे सहारा इंडिया, मेरे जैसे कितनों का परिवार उजाड़ेगा। इससे उसने अपना हस्ताक्षर भी किया है और साइड में उसने लिखा है, मुझे माफ करना परिवार वालों, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरा जीवन इतना ही था। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी एक घटना है कि इस प्रकार की कंपनियों से लोग प्रताड़ित होकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल इनके परिवार के लोग जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इसको न्याय मिलना चाहिए। सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है।